राम राम किसान भाइयों, आज हम लोग एक बार फिर अनसावास के अंदर भाई नरेंद्र के खेत में आए हैं। एक वीडियो नरेंद्र भाई की हमने लगभग महीना एक पहले भी डाली थी, जिस दिन हमने खेत में फेरेमोन ट्रैप लगाए थे। और आज दोबारा फिर मतलब यहाँ पे विजिट करी है, तो नरमे की अभी तक हमने क्या क्या कराया है एक बारी तो पहले वो बताएंगे आप सबको, और उसके बाद में फिर आपको दिखाएंगे कि सफेद मच्छर, हरा मच्छर, पत्ते के नीचे कालापन, मरोड़िया या गुलाबी सुंडी का इस खेत में क्या ओवरऑल पोजीशन है। और बिजाई से लेके अब तक ये पूरा का पूरा 100% आईपीएम तकनीक यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे ये खेत पूरा चल रहा है। तो नरेंद्र भाई, सबसे पहले आपने बिजाई करने से पहले क्या क्या कराया था इस खेत के लिए? इसमें जी डॉक्टर साहब, मैंने सबसे पहले तो जाइटोनिक गोधन से 5 किलो जाइटोनिक गोधन डाल के इसमें अपनी खुरड़ी वाली खाद तैयार कर ली थी, और वो उसमें जाइटोनिक हम 5 किलो मिला के और इसमें पूरे किले में छिड़क दी थी। ठीक है, छिड़कने के बाद में फिर बिजाई, हाँ, बांध करके और बिजाई करवा दी। ठीक है, पहला प्रोसेस तो ये था। उसके बाद में बिजाई के बाद में लगभग इसमें 60 दिन के लगभग इसमें पानी दिया। ठीक है, 60 दिन से पहले मतलब कोई भी पानी वगैरह कुछ नहीं दिया गया था इसमें कुछ नहीं। ठीक है, फिर इसमें टाइम के साथ साथ इसमें एक बार मैंने नीम स्प्रे भी किया है। नीम का स्प्रे मतलब पहला स्प्रे जो अपना होया है, नीम का स्प्रे होया है। तो नीम कौन सा था? जाइको नीम प्लस जाइटोनिक नीम एक्टिव। ठीक है, वो दोनों मिला के स्प्रे हुआ था। उसके साथ में कोई और भी दवाई मिलाई थी आपने? कोई थ्रिप्स वास्ते या सफेद मच्छर वास्ते कुछ भी और मिलाया था उसके अंदर? थ्रिप्स के लिए इसमें और डाल ली थी। ठीक है, थ्रिप्स के लिए कौन सी मिलाई थी आपने? उसमें मिलाई थी वो अपनी एमामेक्टिन। तो 100 ग्राम वो मिली थी, 100 ग्राम। और लगभग आज की डेट में नीम और एमामेक्टिन इन दोनों का स्प्रे हुए कितने दिन हो गए? इसके स्प्रे हुए लगभग 20 से 25 दिन के, 20 दिन से ज्यादा हो गए, 20 से 25 दिन के आसपास हो गए। तो सिर्फ अभी तक एक स्प्रे गया? बस एक स्प्रे गया। ठीक है, आपने क्या लगाया अभी तक का मोटा मोटा, अगर आप भी जिस तरह खेती करने लग रहे हो, आपने क्या लगाया इस चीज की? इसमें जिस डाइटोनिक के जो भी प्रोडक्ट मैंने डाला इसमें, इसमें बहुत अच्छा लगा मेरे को। जैसे कि इसकी हाइट भी एक बगैर फर्टिलाइजर के इसमें बढ़िया अच्छी फुटा हुआ है और बढ़िया अच्छी हाइट भी है इसकी। फर्टिलाइजर मतलब आपने यूरिया डीएपी नहीं, कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर। डीएपी 0% यूरिया अभी तक 0% कोई सुपर कोई पोटाश कोई किसी प्रकार का केमिकल कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली गोधन तैयार हुई है गोबर की खाद, उसमें जाइटोनिक एम पड़ा है। बिल्कुल जी, वही। ठीक है, कुछ थोड़ा सा किसान भाइयों, मोटा मोटा हम भी दिखाना चाहेंगे एक बारी, थोड़ा और अंदर भी अपा लेके चला। अगर कहीं भी ओवरऑल देखोगे आप, ये देख लो जी, लगभग मेरी जो हाइट है वो 5'8" है, 5'8" 5'9" तो लगभग इतनी हाइट जा रही है नरमे की। और जितने भी किसान भाई मरोड़िए को लेके मतलब परेशान हो रहे हैं, इसमें आप किसी भी पत्ते पर देख लो, ये देखो, अगर आपने कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मरोड़िया नजर आंदा हो तो इसमें सफेद मच्छर के जो नीचे निम्फ बनते हैं, जो उसके अंडे और बच्चे बनते हैं, वे देख लो। सबसे मोटी बात पत्ते का जो साइज है, ये देखो आप, पत्ते का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, शानदार साइज है, और नीचे से लेके ऊपर तक मतलब कहीं भी कालापन नहीं है नरमे के अंदर। तो यही सारा कुछ जो है ये आईपीएम है। और नीचे अगर आप और भी देखोगे, थोड़ा इस साइड और दिखाओ एक बार, अगर नीचे से अगर आप देखोगे तो जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया, ये देखो इसका तना कितना ज्यादा मजबूत है, और फुटाव भी मतलब साइड में मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया इसके अंदर फुटाव चल रहा है। और अब ऊपर ऊपर मतलब जो है ये फ्लावरिंग लेने लग रही है। अब इसके अंदर हम लोग दूसरा स्प्रे दोबारा करवा रहे हैं, एक तो नीम ऑयल जाइको नीम दोबारा से, और जाइको नीम का साथ में इसमें हम लोग थोड़ा सा मतलब कम मात्रा के अंदर लिक्विड थायोमेथोक्सम जो है वो करवाएंगे, और उसके बाद फिर
जाइटोनिक एनपीके, क्योंकि अब इसको पौधे ने अच्छा फ्लावर उठाना है, फूल बहुत बढ़िया उठाना है, तो इसके लिए न्यूट्रिशन जाना जरूरी है, क्योंकि नीचे ना डीएपी ना यूरिया ना जिंक ना पोटास कुछ भी नहीं। तो जाइटोनिक एनपीके जो है 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें हम लोग सीधा मतलब स्प्रे करवाएंगे। तो फिलहाल की ये पोजीशन है जी। आने वाले टाइम में इसमें पैदावार कितनी रहेगी उस टाइम पे भी एक वीडियो आपके लिए हम लोग डाल देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।